पूरी दुनिया में जब तकसीम की जाती है तो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तकसीम की जाती है। नॉन बिलीवर्स को कुफार कहते हैं इल्मी इस्तेलाह में, और बिलीवर्स उनको कहते हैं जो अल्लाह की भेजी हुई वही पर, आसमानी किताबों पर, पैगंबरों पर ईमान लाते हैं, मजहब उनका कोई भी हो। तो जब बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तकसीम होती है तो यहूदी अकीदे के मानने वाले लोग और मसीही बिरादरी और मुसलमान, ये तीन मजाहिब बिलीवर्स में शुमार होते, ये कुफार में शुमार नहीं होते। लंदन में एक जगह मैं दरस कुरान दे रहा था, तो वहां दरस कुरान सुनने के लिए एक बड़े पक्के मुसलमान आए जो लंदन की एक मस्जिद के प्रेसिडेंट रहे हुए थे, दीनदार आदमी। तो दर्स के आखिर में मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब ये हमारे मौलवी जो हैं ये ईसाइयों और यहूदियों को काफिर क्यों कहते हैं, हालांकि वो तो अहले किताब हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरी रहनुमाई की, एकदम मुझे याद आया कि ये तो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे फौरन कहा, मैंने कहा सर नहीं, ये मौलवी उनको काफिर नहीं कहता, कुरान मजीद में वजाहत के साथ उन्हें काफिर कहा गया है। मैंने सूरह बय्यिना की आयत कोट की, इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना, कि यकीनन काफिर खा अहले किताब में से हो या मुशरिकों में से। और ये एक मुकाम नहीं है, और मुकाम पर कुरान मजीद ने ये वजाहत की है। तो अब ये जो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा रहा है, नरम गोशा पैदा किया जा रहा है यहूदियों और ईसाइयों के लिए कि वो अल्लाह को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, जहन्नम को मानते हैं, तकदीर को मानते हैं और सारे नबियों को भी मानते हैं, बस सिर्फ इतनी सी कसर है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। आप मुझे बताइए कि क्या आपको वो शख्स काबिले कबूल है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानता हो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने के माने क्या है? मानी पर गौर कीजिए ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा कर रहे हैं कि मुझ पर वही आती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा कर रहे हैं कि कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है अल्लाह का कलाम, और कोई शख्स अगर इसको नहीं मानता तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहा है? और हमें वो अच्छा लगना शुरू हो गया, ये हमारी ईमान की गैरत है, ये हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक रह गया है।